सभी को राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। जैसा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी खुशखबरी HSSC की तरफ से 26,000 पदों पर भर्तियां, जी हां, विज्ञापन जारी कर दिया गया है HSSC की तरफ से। क्लर्क भर्ती, ग्राम सेवक भर्ती, पटवारी भर्ती, MPSW, स्टाफ नर्स, ALM, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पदों पर ग्रुप सी की 26,000 भर्तियां करने जा रहा है। और आप डिटेल में जानिएगा क्या खबर है, यदि पूरा जानना चाहते हैं और आप इससे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी तक समय पर अपडेट पहुंच सके। आइए जानते हैं क्या बड़ी अपडेट है। तो देखिएगा, सबसे पहली बड़ी अपडेट देखिएगा क्या आई है। आप जानते होंगे कल शाम को ग्रुप सी के लिए सीट सूचना जारी कर दी गई थी, उस पर भी हम वीडियो जारी कर चुके हैं। तो देखिएगा आज अलग अलग न्यूज़पेपर में किस तरीके से छपा है। तो देखिए, ग्रुप सी के 26,000 पदों की भर्ती जारी, CET का रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई तक, परीक्षा अगस्त में होगी। जी हां, यदि आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वन टाइम पोर्टल पर तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी तक CET के लिए 10,26,000 युवा करवा चुके हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो CET की परीक्षा अगस्त में होने वाली है और 8 जुलाई इसकी अंतिम तिथि फॉर्म भरने की, 13 जुलाई फीस कटवाने की अंतिम तिथि होगी। और पहली बार आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने पर देनी होगी प्रति पर्सन 100 रुपये की फीस, रीचेकिंग का अधिकार नहीं। 6600 कांस्टेबलों की भर्ती हुई पूरी, आप जानते होंगे 5500 मेल कांस्टेबल और 1100 फीमेल कांस्टेबल का कल परिणाम जारी हो चुका है। दोनों परिणाम कल की डेट में जारी हो चुके हैं और उसके अलावा 6000 और नई भर्तियां आ गई हैं। जी हां, हरियाणा पुलिस की 6000 नई भर्तियां, क्लर्कों की भारी भर्तियां होंगी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ये भारी भर्तियां, स्टाफ नर्स, MPSW, ALM ये भारी भर्तियां होने वाली हैं। तो देख सकते हैं 26,000 भर्तियों पर भर्तियां होने वाली हैं, ये पद भरे जाएंगे या नीचे देख सकते हैं। और सोशो इकोनॉमिक के अंकों के बारे में जानिएगा, 95% अंकों का होगा ग्रुप सी का CET, बाकी 5% सोशो इकोनॉमिक के व अनुभव के होंगे, यानी कि 2.5% सोशो इकोनॉमिक के, यानी कि 2.5 नंबर मिलने वाले हैं सोशो इकोनॉमिक के। जो पहले 5 नंबर 9 जॉब के मिलते थे वो 2.5 और अदर 2.5 करके, मतलब टोटल मैक्सिमम 5 नंबर आप ले सकते हैं। इसमें से 2.5% सोशो इकोनॉमिक और 2.5% अनुभव के होंगे। CET में मेरिट आने के बाद स्किल के लिए लिखित परीक्षा में उसे फिर सोशो इकोनॉमिक के 2.5% अंक मिलेंगे। ग्रुप डी इस वर्ग के CET के आधारित वाले सीधे चयन किया जाएगा, इसलिए सोशो इकोनॉमिक के आधार पर 5% CET में ही दे दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं, इसके अलावा देखिएगा अगले न्यूज़पेपर में क्या छपा है। अगस्त में होगी ग्रुप सी के 26,000 पदों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा, यानी CET के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जारी कर दिया है विज्ञापन। सिलेबस के बारे में भी बता दिया है, कल मैंने वीडियो बना दी थी, आप डिटेल में वो सिलेबस देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से कल वाली CET की विज्ञापन पूरा पढ़ सकते हैं। तो अगली नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे और क्या कहा गया है। तो देखिए, युवाओं को मिला डबल बोनांजा, पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के साथ साथ CET का विज्ञापन भी हुआ जारी, ऐसा कहा CM मनोहर लाल ने। कर्मचारी चयन आयोग ने सामान्य पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी किया, युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध करवाने पर हरियाणा सरकार का फोकस, युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दी जाएगी नौकरी। यानी कुछ तो दो मुद्दों के कारण ये 3 रिजल्ट कल आए हैं, जो दो तो रिजल्ट आए हैं मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल और एक CET की अधिसूचना। इनके पीछे का सबसे बड़ा राज एक तो इलेक्शन है, आप जानते होंगे इलेक्शन में ही भारी भर्तियां की जाती हैं, नगर निकाय के इलेक्शन है, सबसे बड़ा राज एक तो ये है। दूसरा सबसे बड़ा राज, अग्निपथ का विरोध शुरू हो गया था और उस अग्निपथ के विरोध से ध्यान भटकाने के लिए ये किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे युवाओं को पारदर्शिता के तहत पर नौकरी दी जाएगी, ऐसा कहा CM मनोहर लाल ने। इसी के अलावा अगले न्यूज़पेपर में क्या छपा है तो देखिएगा, जानते हैं यहाँ पर।
डेढ़ साल से अटकी पुलिस सिपाही की भर्ती चढ़ी सिरे। जी हां, करीब डेढ़ साल से अटकी हरियाणा पुलिस के 6600 सिपाही पदों की भर्ती, जिसमें 5500 पुरुष और 1100 महिला सिपाही, तो वो अब सिरे चढ़ गई है। अब रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग तो पता नहीं कब देंगे कब ना देंगे, क्योंकि एक बार इलेक्शन जीतने की तैयारी भी करनी है और अग्निपथ से ध्यान भटकाना भी है, इसलिए ज्वाइनिंग तो बाद में देखी जाएगी। HSSC ने 5500 और 1100 का परिणाम जारी कर दिया महिला का, और देख सकते हैं नई भर्तियों का भी आदेश दे दिया है कि नई भर्तियां भी होने वाली हैं इतनी ही मात्रा में पुलिस में। इसके अलावा यदि आप अपनी CET की तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप हमारे द्वारा जारी किए गए इस कोर्स को, रिकॉर्डेड कोर्स है 70 घंटे का, स्पेशल रीजनिंग, हरियाणा CET की स्पेशल रीजनिंग, बिना सूत्र सीधे उत्तर, और इस पर अभी आपको भारी छूट मिल रही है। 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आप लेना चाहें मात्र 500 रुपये का कोर्स आपको 97 रुपीज में मिल जाएगा। आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऐप डाउनलोड करनी होगी जो यहाँ पर नीचे दर्शाई गई है। इस ऐप को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को ले सकते हैं। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो हमें आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगेन थैंक्स।